हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये नई सीरीज हमने स्टार्ट की है खासकर इंस्पायर स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं या कोई प्रॉब्लम उनमें आती है तो उनका क्या सलूशन हो सकता है, इसके बारे में ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है डाउट सेशन। तो ये पहला सीरीज का पहला वीडियो जिसमें हम बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं जो स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं, और एक जैसी जब बहुत सारी कमेंट हो जाती हैं तो उन सारी कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए डाउट सेशन स्टार्ट किया है कि आप सबको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाए जिससे कि आप गलती ना करें और आपको आसानी से इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती रहे। तो यहाँ पर स्टूडेंट के हम डाउट बहुत सारे लेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे और उसका आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर पहली कमेंट स्टूडेंट के लेते हैं, ये कोई स्मार्ट स्टडी या नाम का कोई स्टूडेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट पूछता है कि भाई मेरे कॉलेज नेम नहीं मिला, यानी मुझे कॉलेज नेम नहीं मिला, फॉर्म फिलअप करते हुए मैंने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, मेरा नंबर 440 है यूपी बोर्ड से, यानी इनके अंक जो हैं 440 हैं। ऑफ़र लेटर कब तक आएगा भाई, प्लीज़ रिप्लाई। 8/10 यानी 8 अक्टूबर 2023 को फॉर्म सबमिट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जब हमने एक ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि आपको कैसे कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है जिससे कि आप कोई गलती ना करें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है जिससे कि आप कोई गलती ना करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपना कॉलेज नेम ही नहीं मिला और ये फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको बाय द चांस 1-2% है जो आपको आपका कॉलेज ना मिले। वहाँ पर उस वीडियो को बनाते समय भी हमने ये कहा था, अगर बाय द चांस आपको आपका कॉलेज वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको अपने कॉलेज संपर्क करना है, जो भी आपका महाविद्यालय है उससे संपर्क करना है, उससे प्राचार्य से संपर्क करना है यानी प्रिंसिपल से संपर्क करना है और कहना है कि अपने कॉलेज को इंस्पायर पोर्टल पर ऐड कराइएगा। तो वो कॉलेज के द्वारा आप आसानी से बिल्कुल कम से कम समय में, बहुत ज़्यादा 7-10 दिन के अंतर्गत ही आपका कॉलेज ऐड हो जाएगा इंस्पायर पोर्टल पर। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि अभी बहुत टाइम है इंस्पायर का फॉर्म भरने में, तो ये इस जल्दबाजी को स्टूडेंट कर देते हैं और उसका ऑफर लेटर भी उन्हें प्राप्त नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करें। और अगर जो भर रहे हैं फार्म और अगर उन्हें कॉलेज अपना नहीं मिलता है तो प्लीज़ अपने कॉलेज संपर्क करिएगा, बहुत जल्द ही उनका कॉलेज ऐड हो जाता है इंस्पायर पोर्टल पर, आसानी से ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जिन्होंने 2022 में किया है क्या उनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, हर एक साल ये स्कॉलरशिप आती है और उस साल जो स्टूडेंट 12th पास करता है, जैसे 2022 में जिन्होंने किया था उन्हें 2022 सेशन का माना जाता है, तभी आपको 2022 में ही फॉर्म फिलअप करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 2019 में पास हैं और 2023 में फॉर्म भर लें, ऐसा नहीं होता है। अगर 2023 में आप पास हैं तो इस समय इंस्पायर के फॉर्म चल रहे हैं, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पूछता है कि सर मैं BSc 3rd ईयर में फेल हो गया हूँ, क्या अब मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई बता दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार से किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, तो इंस्पायर की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप वहीं आपकी बंद हो जाती है। लेकिन आप कैसे अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप को चालू कर रखते हैं, जैसे आप माना कि BSc 3rd ईयर में फेल हो गए और हमें लगता है कि BSc 3rd ईयर में फेल होते होते आपको लगभग 1,80,000 रुपये तक स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें उनके डॉक्यूमेंट में नहीं होता है। अब तक आपने अगर 1st ईयर एंड 2nd ईयर के डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं तो लगभग 1,80,000 रुपये स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाती है। अगर फिर भी आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट केवल बीएससी ही करते हैं, एमएससी नहीं करते हैं। तो अगर आप फेल हो गए तो क्या करिएगा, अगर आप कुछ विषय में फेल हुए तो बैक पेपर लगाइएगा, और बैक पेपर लगा के अगर आप पास हो जाते तो आप अपनी स्कॉलरशिप प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, कन्फर्म रहिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहा है कि भैया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी एमएलटी में एडमिशन लिया है तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएससी एमएलटी कर रहे हैं, तो हमने एक इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाया था, जब फॉर्म भरा जाता है तो इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लगता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग आपको बता सकते हैं लगभग 18-20 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में मैच कर लीजिएगा, कोई दो सब्जेक्ट आपके मैच होने चाहिए, है ना। इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट में अगर आपके जो भी सब्जेक्ट आपके इस बीएससी एमएलटी में हैं, अगर वही सब्जेक्ट वहाँ पर मैच होते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं और आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा, बशर्ते आप इंस्पायर के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम वालों को यहाँ पर नहीं मिलता, बीएससी वालों को मिलता है, बीटेक वालों को मिलता है। तो यहाँ पर इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आप ध्यान से पढ़ें, अगर आपके वहाँ पर सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी आपका कार्यक्रम दे रखे हैं कि आपको क्या आप कर रहे हैं तभी मिलेगा, तब आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। कंफर्म रहिएगा कि आप अपना जो भी बीएससी एमएलटी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, तो इत्यादि वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंडोर्समेंट फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहा है कि जीमेल से कैसे पता करें ओपन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जब वो अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अगर प्रोसीड करता है तो कुछ एरर आ रहा है, लेकिन आप अपना जो ब्राउज़र है उसे अपडेट कर लीजिएगा, और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो कंफर्म रहिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसके बाद में आप अपना प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म आपका रह गया है या फिर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है कि नहीं हो गया, तो आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए और प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट पर जो CGPA है वो ही तो अपलोड करना है, तो यहाँ पर जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बीएससी पार्ट वन का या पार्ट टू का, जहाँ पर भी आपका सेमेस्टर प्रणाली लागू है, तो वहाँ पर जब आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करने पर हमारा एक सेपरेट वीडियो हम ला चुके हैं स्टूडेंट की सुविधा के लिए कि आपको कैसे कैसे अपलोड करना है और क्या क्या फिल करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अपर यही वीडियो है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि आपको कैसे कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे CGPA डालना है, अगर आप परसेंटेज में भी डालना चाहते हैं तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं CGPA इंटू 9.5 का गुणा करके। यहाँ पर फिर वही काफ़ी सारे स्टूडेंट में डाउट बना हुआ है कि सर कॉलेज का नाम इंस्पायर पोर्टल पर ऐड नहीं हुआ तब भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्या, तो अगर आपका कॉलेज का नाम ऐड नहीं होता है तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है, कन्फर्म रहिएगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा, अभी काफ़ी समय है, तो इसलिए जो भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले ही सबमिट मत करिएगा, आपको हम ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुके, जो भी स्क्रीन पर आप वीडियो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं उस वीडियो में हमने बताया था कि आप फाइनल सबमिट मत करिएगा, प्रीव्यू करिएगा। तो अगर आपका कॉलेज नाम ऐड नहीं है, तो नाम नहीं आता है आपके कॉलेज का इंस्पायर पोर्टल पर, आपके कॉलेज का नाम ऐड नहीं हो रहा है, तो आप कुछ दिन वेट करिएगा, लगभग 7-10 दिन वेट करिएगा, और अपने प्रिंसिपल से कहिएगा कि जल्द से जल्द ऐड कराए, तो अगर आप करा देते हैं तो कन्फर्म रहिएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपको कुछ इनिशिएट करना होगा, ये ऐड कराना होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आसानी से आपके कॉलेज वाले ऐड करा लेते हैं। यहाँ पर मार्कशीट से रिलेटेड स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है कि सर मैं CGMU यूनिवर्सिटी से ही मेरे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिंगल मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अब मैं मार्कशीट निकाल रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में ही फर्स्ट सेमेस्टर की मर्ज है, मतलब इनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट हैं इन्हें केवल फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है सिंगल, जो भी मार्कशीट निकालते हैं उसमें सेकंड सेमेस्टर की भी मार्कशीट है, तो बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर की सिंगल मार्कशीट कहाँ से लाऊँ अपलोड करने के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ कौन आपको इतना गुमराह कर देता है, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो कन्फर्म जानकारी प्रोवाइड की जाती है, तो आपको क्या क्या अपलोड करना है, हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि आपको जो अपलोड करना है तो फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर का मतलब अगर आपका सेमेस्टर प्रणाली है, हालांकि सब सेमेस्टर प्रणाली ही लागू है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर दोनों की एक सिंगल पीडीएफ बनेगी, वही आपका अपलोड होता है, कन्फर्म रहिएगा। ऐसा नहीं आपका कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर का आप अपलोड कर लें या सेकेंड सेमेस्टर का अपलोड, ऐसा नहीं होता है। जो भी एक साल का रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा, एक साल में आपका जितने भी सेमेस्टर हैं वो पूरे सेमेस्टर आप यहाँ पर अपलोड करना होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई, MSc नहीं करनी है तो BSc थर्ड ईयर की मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। बिल्कुल मत करिएगा, अगर आपको MSc नहीं करनी है और आपको 1,80,000 रुपये अगर मिल चुका है विदाउट प्रोजेक्ट और विथ प्रोजेक्ट, अगर आपको 80,000 रुपये पर ईयर की दर से 3 साल मिल चुका है तो आप कुछ भी मत अपलोड करिएगा, एग्जिट कर सकते हैं। नीचे देखें, नीचे स्टूडेंट पूछ रहा है महादेवी योजना एंड इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना दोनों ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बशर्ते आप आधार प्रॉब्लम से बच कर रहिएगा, आधार हर एक जगह मत लगाइएगा। यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहा है कि BSc थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट अपलोड पर एक वीडियो, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके जिसमें हमने आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना बताया है, तो बिल्कुल जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड किया जाता है वैसे ही, यानी फर्स्ट ईयर का अपलोड किया जाता है वैसे ही सेकंड ईयर का अपलोड किया जाता है, वैसे ही थर्ड ईयर का अपलोड किया जाता है, बस आपको वहाँ पर 1 की जगह 2 सेलेक्ट कर लेना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ये डाउट सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें लगता है कि आपके बहुत सारे डाउट इस डाउट सेशन में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका इससे अलग कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत जल्द उसका आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है तो आसानी से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।